अमित लियाकत हुसैन, आप सबको पता है इंतकाल पा चुके हैं और उनकी तदफीन के बारे में बात करते चलें तो कल तक उनकी तदफीन के बारे में अभी तक फैमिली ने उनके जो जितना भी जो भी उनके वारसीन हैं, उनके वारसीन में उनका एक बेटा है और एक बेटी है, अहमद आमिर और दुआ आमिर उनके नाम हैं, तो उन्होंने ऐलान नहीं किया था। अलबत्ता लेट नाइट उन्होंने ऐलान किया और उनकी जो साबका अहलिया है उन्होंने कहा कि जो है मेरे जो बच्चे हैं यानी कि मरहूम के जो वारसीन हैं दुआ आमिर और अहमद आमिर, उन्होंने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है और इनकी ख्वाहिश के मुताबिक मरहूम को इज़्ज़त और एहतराम के साथ इनकी आखिरी आरामगाह तक ले जाया जाएगा। मज़ीद उन्होंने कहा अब सबसे दुआ मगफरत की दरख्वास्त है, अल्लाह पाक मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए। इसके साथ साथ उन्होंने मज़ीद ये भी कहा है कि अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में जो है आमिर लियाकत हुसैन की ख्वाहिश के मुताबिक उनकी तदफीन की जाएगी। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में उनकी वालदा और उनके वालिद की भी वहाँ पे कब्रें मौजूद हैं। आपको पता है अब्दुल्ला शाह गाजी जो हैं वो तबे ताबीन में से थे और वो उनका मज़ार जो है कराची में मौजूद है और आज बाद नमाज ज़ुहर और नमाज जुमा जो है उनकी बाकायदा अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार में नमाज जनाजा अदा करने के बाद वहाँ पे उनकी तदफीन की जाएगी और आज उम्मीद है उनका बेटा जो है अहमद आमिर भी पहुँच जाएगा।